डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 टॉपिक है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या होती है, किस तरह से इसको सॉल्व आउट करते हैं, आए मैं आपको बताता हूँ। रेसिप्रोकल इक्वेशन एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन वेरिएबल एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। जब आप वेरिएबल एक्स को रिप्लेस कर दें 1/x के साथ और उस इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, वो रिमेन्स अनचेंज, वो वही की वही रह जाए, सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी बच्चों? रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इस रेसिप्रोकल इक्वेशन में जो कोफिशेंट ऑफ ईच टर्म है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मसलन फॉर एग्जाम्पल, मैंने इक्वेशन लिखी एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स के एन माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है? एक्स फोर का कोफिशिएंट बच्चों देख रहे हो, देयर इज वन, स्टार्ट वन से हो रहे हैं तो उसका एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो भी वही है, यानी वन है। सिमिलरली सेकंड टर्म जो आप देख रहे हैं माइनस थ्री एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है थ्री, तो सेकंड लास्ट टर्म में भी आप देख रहे हैं दैट इज आल्सो थ्री। सो जहां से वो स्टार्ट है एंडिंग भी वहीं पर है, यानी दे आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। थर्ड, ये जो लास्ट दरमियान में मिडिल टर्म आप देख रहे हैं फोर एक्स क्यूब, ये आपकी कुछ और हो सकती है, चेंज हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन एक्स फोर एक्स थ्री एक्स स्क्वायर एक्स वन एंड कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो में जो जहाँ से स्टार्ट होगी एंड भी वहीं पर हो, सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो डिग्री फोर में और गुज़िश्ता पिछले कितने लेक्चर्स में जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम चेंज कर देंगे। जब हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगी तो हम इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आए इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। जी बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन है जी बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर गिवन एक्स रेज टू फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक्स फोर उसका कोफिशेंट वन, सो लास्ट टर्म भी वन है हमारे पास, सेकंड लास्ट टर्म में कोफिशेंट माइनस थ्री, तो इधर सेकंड लास्ट टर्म में भी हमारे पास माइनस थ्री आ रहा है, यानी जहां से स्टार्ट है एंडिंग भी उसी तरह कोफिशेंट के साथ है। इसको सॉल्व किस तरह करें, आए सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट इट? सो डिवाइडेड बाय एक्स के बोथ साइड, दोनों अतराफ को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करने से एक्स फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जीरो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। नाउ दिस बिकम एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट बिकम माइनस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट प्लस फोर माइनस थ्री प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो ओवर समथिंग दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज इन शेप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री टू में, अरेंज कर लें। आफ्टर अरेंजिंग एक्स स्क्वायर अरेंज हो गई विद वन ओवर एक्स स्क्वायर के साथ,
दिस इज माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर दैट इज थ्री ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स के साथ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट दैट इज फोर इज इक्वल टू जीरो. नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर टेकिंग कॉमन माइनस थ्री दैट इज एक्स माइनस मल्टीप्लाइड माइनस वन ओवर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो के साथ. जी प्यारे बच्चों, कल यानी लास्ट टाइम लेक्चर नंबर सेवन में हमने इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व आउट किया था. हाउ टू सॉल्व, जी बताएं बेटा, दिस इज एक्स प्लस वन ओवर एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर. लेट करते हैं जनाब इसको, लेट एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई के साथ. ओहो, ये तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर. तो फिर क्या करें, इसका स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वेयरिंग बोथ साइड एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. नाउ दिस बिकम क्या बनेगा बच्चों, ओपन इट, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू दिस इज वाई स्क्वायर. नाउ दिस इज वाई स्क्वायर शिफ्टिंग द कॉन्स्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू. अब आप देख रहे हैं बच्चों, हमने लेट किया एक्स प्लस वन ओवर एक्स को वाई के. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया वाई स्क्वायर माइनस टू के. आए जी पुटिंग करते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस टू दैट इज माइनस थ्री इंटू दैट इज इक्वल टू वन जो कि हमने लेट किया वाई के प्लस फोर कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वाई स्क्वेयर माइनस टू माइनस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. अरेंजिंग वाई स्क्वेयर माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो प्लस फोर माइनस टू बिकम प्लस टू. नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल वाई. रेसिप्रोकल इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में. अब आप पढ़ चुके हैं हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तीन मेथड्स आपको बता चुका हूं, कौन कौन से, बारी बारी बताएं बड़े शाबाश. फर्स्ट वन इज बाय वेक्टराइजेशन, गुड. सेकंड वन इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. थर्ड वन इज जी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, आपकी मर्जी, इजी रह जाता है. फैक्टराइजेशन उससे भी ज्यादा बेहतर है. आए फैक्टर बनाएं, क्या बनेंगे फैक्टर बेटा, कॉमन हरी आप शाबाश बताएं. टू वन सर टू, सो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वाई बिकॉज टू वन सर टू माइनस के टू माइनस माइनस प्लस प्लस टू माइनस टू और माइनस वन तो माइनस थ्री. गुड इज इक्वल टू जीरो. नाउ टेकिंग कॉमन, जी क्या कॉमन है बेटा इन दोनों में, वाई. ओके वाई कॉमन कर देता हूँ. रिमेनिंग वट विल बी वन वाई, ओके वाई कॉमन, यस माइनस टू, ओके इन दोनों में कॉमन बेटा. वट विल बी माइनस वन, यस रिमेनिंग वाई प्लस माइनस माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. नाउ वट विल बी द कॉमन फैक्टर दैट इज वाई माइनस टू, नॉन कॉमन वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. आगे किस तरह करते हो बेटा, आइदर दिस जीरो, ओके यस गुड वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. और की कंडीशन बेटा मस्ट है लाजमन और आइदर दिस जीरो. अगर ये फैक्टर जीरो है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, देन वाई विल इक्वल टू प्लस टू एंड आइदर दिस फैक्टर इज जीरो वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो then what will be the value of y, then y will equal to 1. So प्यारे बच्चों, जब आपने quadratic equation को solve किया तो y is equal to 2 और y is equal to 1 आपके पास हासिल होगा. लेकिन unfortunately equation तो हमारे पास variable x से belong करती है, हमारा answer तो y में find out हुआ. तो फिर बेटा कोई बात नहीं, आए जो हमने let किया था factor y के equal लिया था उसको हम सॉल्व आउट करके एक्स फाइंड आउट करते हैं. यहां छुपा हुआ है जी हमारा शिकार. तो बारी बारी यहां पुट करते हैं.
व्हेन वाई इज इक्वल टू टू। पहला केस है, अगर आपके पास वाई टू हो तो फिर एक्स क्या होगा? व्हेन वाई इज इक्वल टू टू देन व्हाट विल बी एक्स? इक्वेशन इज एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू टू। नाउ टेकिंग देयर एलसीएम, एलसीएम विल बी एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स आफ्टर अरेंजिंग। ओ दिस बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जी क्या बना जी परफेक्ट स्क्वायर? एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों अतराफ को बेटा स्क्वायर रूट लिया, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन। दूसरा केस करते हैं व्हेन वाई इज इक्वल टू वन, अगर आपके पास वाई वन हो जाए और इफ वाई इज इक्वल टू वन देन एक्स विल बी पुटिंग की बेटा एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई इज वन, टेकिंग एलसीएम दैट इज एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स वन सर एक्स आफ्टर अरेंजिंग एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनता, फैक्टराइजेशन भी नहीं बनता, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कंपेयरिंग विद एक्स इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन, सी इज इक्वल टू वन, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट ओवर टू ए, माइनस माइनस प्लस वन, बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी ए इज वन सी इज वन ओवर टू इंटू वन, वन प्लस माइनस वन माइनस फोर स्केयर रूट ओवर टू, वन प्लस माइनस माइनस थ्री स्केयर रूट ओवर टू, दैट इज इक्वल टू बेटा एक्स। एक रूट आपके पास ये फाइंड आउट हुआ और दूसरे रूट आपके पास ये फाइंड आउट हो गई। सो दीज आर द सोल्यूशन एलिमेंट्स या रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशंस जो गिवन थी कैसे किया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसको फैक्टराइज करके इन वाई वेरिएबल में सॉल्यूशंस निकाले, आफ्टर 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 वाई टेकिंग इक्वल जो हमारा लेट किया हुआ था उसके साथ हमने एक्स फाइंड आउट किया। नाउ द सॉल्यूशन सेट लिखना मत भूलिएगा, दैट इज वन वन प्लस माइनस माइनस थ्री स्क्वायर रूट ओवर टू के साथ। जी बच्चों आज का आर्टिकल बहुत ही जबरदस्त किस्म का आसान सा आर्टिकल था, रेसिप्रोकल इक्वेशन किस तरह से हमने सॉल्व आउट किया, होप सो आपको बात समझ आई होगी। इसकी आपकी असाइनमेंट है जी होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर होमवर्क टास्क साथ साथ बेटा करते चले, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक तीन से चार क्वेश्चन बनते हैं, तो अपना जरूर कीजिए प्रैक्टिस में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।